नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज दुनिया के सारे न्यूज चैनलों से लेकर सभी लोगों के बीच एक ही बात चल रहा है, कोरोना वायरस महामारी, इसका इफेक्ट और इससे बचने का उपाय। पर इस बीच हम उन लोगों को भी नहीं भुला सकते जो अपने घर को, अपने फैमिलीज को छोड़कर, अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के पूरे 24 घंटे दिन रात हमारे सेवा के लिए जा रहा है। जी हाँ, मैं पूरी विश्व के उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मियों और पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ जो खतरे का कदम उठाते हुए इतनी संक्रामक रोग के बीच में भी फ्रंटलाइन पे काम किए जा रहे हैं। इटली ने ग्रेजुएशन के माध्यम से 10,000 छात्रों डॉक्टरों को फास्ट ट्रैक कर रहा है। उनका ग्रेजुएशन की अंतिम परीक्षा को रुकवा दिया गया है। संघर्षरत स्वास्थ्य सेवा को कोरोना वायरस से निपटने में मदद करने के प्रयास में उन 10,000 छात्रों डॉक्टरों को सेवा में शामिल किया। पश्चिमी यूरोप में स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष का वर्णन करने के लिए युद्ध की भाषा को उपयोग किया है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मी अग्रिम पंक्ति के सैनिक है। इटली, फ्रांस और स्पेन में 30 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है और हजारों कर्मियों को आइसोलेट करना पड़ा। इटली के केंद्र में ब्रेशिया प्रांत में 10 से 15% डॉक्टर और नर्स संक्रमित हुआ है। जैसा कि डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सक बीमार पड़ जाते हैं, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बोझ पहले से ही बढ़ रही महामारी के तनाव के तहत बढ़ रहा है और संक्रमित श्रमिकों और उनके अस्पतालों को तेजी से वायरस के प्रसार के लिए वेक्टर के रूप में पहचाना जा रहा है। यूएस, ब्रिटेन, इंडिया को लेकर विश्व के सभी कोरोना इफेक्टेड देशों में ऐसे ही फ्रंटलाइन में काम करने वाले हेल्थ स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेस की इस महामारी से ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हेल्थ स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेस जो अपने जान की परवाह ना करते हुए हमारे मदद कर रहे हैं, उनको अपने फैमिली को छोड़कर हॉस्पिटल या तो हेल्थ क्लिनिक में आइसोलेशन में रखा जा रहा है ताकि उन लोगों से वायरस और भी ज्यादा ना फैल सके। पर ये बात एकदम सही है कि पूरी विश्व की ये सब तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग के बिना हम लोग इस कोरोना महामारी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं विश्व की तमाम पुलिस वालों की, जो विश्व के विभिन्न देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए दिया गया लॉकडाउन को सफल करने में जी जान लगा के ड्यूटी कर रहा है। हमारे इंडिया में तो किसी जगह एक पुलिस ने कोरोना हेलमेट ही बना लिया है और वो हेलमेट पहन के हुए लोगों को समझा रहा है कि कोरोना कितना भयानक है और इसके तहत अपने घरों से ना निकले। इंडिया में पुलिस कभी लाठी का यूज करके या फिर लोगों को रास्ते में कान पकड़ के उठक बैठक करवा रहे है, तो कभी हाथ जोड़कर समझा रहा है या कभी गाना गा के लोगों को समझा रहा है कि लॉकडाउन में बाहर ना निकले। उधर और भी कोई स्पेशल लोग हैं जिनके बिना हम लोग इस लॉकडाउन के टाइम में घर बैठ के कुछ भी नहीं जान पाते। वो लोग हैं जर्नलिस्ट, जो लोग इस पूरी दुनिया में चारों तरफ फैली कोरोना महामारी का हर एक पल की खबर से हम सबको तहकीकात करा रहा है। अंत में है टेलीकॉम कंपनीज के लोगों और बैंक कर्मी, जिनके सेवा के बिना इस महामारी के टाइम में हम अपने मोबाइल, इंटरनेट और पैसा की लेन देन जैसे कोई जरूरी काम नहीं कर पाते। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत के लोग बहुत ही समझदार और होशियार है, जिसके कारण हमारे देश में कोरोना से इफेक्टेड मरीजों की संख्या बहुत कम है और मौत भी बहुत कम ही है, जिसके तुलना में विश्व के अन्य देशों में कोरोना इफेक्टेड लोगों की और उससे मौत की संख्या हजारों की तादाद में है। 22 मार्च को पीएम मोदी जी की जनता कर्फ्यू बुलाने पर हमारा 135 कोटी आबादी वाले देश ने एक ही बार में मान लिया था और सही मायने में अपने घरों में रहकर जनता कर्फ्यू को सफलता दिया था। और फिर 24 मार्च को जब पीएम ने फिर से पूरी देश में 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा दी, तब जो कि इस विश्व की सबसे बड़ी लॉकडाउन है, तब भी लोगों ने एक ही बार में मान लिया है। पर फिर भी कुछ लोग लॉकडाउन को ना मान के घर से निकल रहे हैं। उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने घर से ना निकलिए और इस महामारी को फैलने से रोकिए। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, इस लॉकडाउन के टाइम में हम तो अपने घरों में अपने परिवार के साथ आराम से बैठे हैं, पर डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस वालों, बैंक कर्मियों, टेलीकॉम कंपनियों जैसे इम्पोर्टेंट क्षेत्रों में काम करने वाले वो लोग, जिनको सिर्फ हमारी जरूरी सेवाओं को चालू रखने के लिए संक्रामक का खतरे मोड़ उठा के और अपने जान को झोंकी में डाल के काम करने के लिए ऑफिस में जाना पड़ रहा है, तो आइए दोस्तों, उनके इस स्वार्थ रहित सेवा की हम जितना हो सके प्रशंसा करें और सही मायने में इस लॉकडाउन को सफल करें। लॉकडाउन के टाइम में अपने घरों पर ही रहे, बाहर ना निकले। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।